नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन पोनी पवन शर्मा जी मौजूद हैं। कुछ देर पहले इन्होंने रियासी में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और इनका कहना है कि कल जिस तरह से प्लान एक घोषित हुआ है उस प्लान के ये कहीं ना कहीं खिलाफ दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो कहा गया था कि 25 लाख जो हैं वो बीडीसी को अधिकार दिया जाएगा कि वो अपनी मन मुताबिक खर्च कर सकते हैं लोगों के विकास कार्यों के लिए, लेकिन अब उन्हें स्कीमों के तहत खर्च करना होगा। इसी पर बात करने के लिए बीडीसी चेयरमैन पोनी पवन शर्मा जी यहां मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार अंशित जी। पवन जी, क्या मामला अब बना है, क्योंकि हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप विरोध जता रहे थे, स्पष्ट तौर पर आप क्या चाहते हैं और हुआ क्या है? देखिए अंशित जी, जब पिछले साल हमारे यहाँ मुर्मू साहब ने एक ऑर्डर इशू किया था कि जो बीडीसी चेयरपर्सन हैं उनके बिहार पे जो है उनको सीडीएफ के पैटर्न पे 25 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में हमें भी खुशी हुई थी कि जिन लोगों ने हमें चुन के यहाँ भेजा है तो उनकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। लेकिन आज की डेट में जो हमें लग रहा है कि हमें तो सरकार ने ध्वस्त कर दिया है और हम कहीं अपने जो वोटर हैं, जो हमारे पंच सरपंच भाई हैं, उनके पास हम जाने मतलब जाएं तो अपना चेहरा कैसे दिखाएं। मेरे ब्लॉक में मेरी 23 पंचायतें हैं और 25 लाख हमें बोला गया, लेकिन वो 25 लाख भी कैपेक्स बजट में, और बाजाबता उसमें क्या किया गया है कि आप ब्लॉक दिवस के और जो बैक टू विलेज के काम है आप उनको उठाएं और उन पे वो पैसे खर्च करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए कोई सही बात की गई है। आम लोगों को समझा दें कि पहले जो सीडीएफ की तर्ज पर, जिस तरह से विधायक को सीडीएफ मिलता है उसकी तर्ज पर इन्हें 25 लाख मिलना था, लेकिन अब इनका कहना है कि अपेक्स बजट जो कल बनाया गया है उसके तहत ही वो 25 लाख रुपया खर्च होगा और विभिन्न स्कीमें भी बताई गई हैं जिसके तहत वो पैसा खर्च करना होगा। तो अब अगर सरकार या फिर जो भी बजट बनाया गया वो वापस नहीं होता है तो आपकी क्या दशा दिशा रहेगी, आगे क्या करेंगे? नहीं, हमारा यहाँ हमारे जितने भी चेयरपर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट के, हम सब यहाँ आज एक मंच पे इकट्ठा हुए और हमारे जो जितने भी वाइस चेयरमैन हैं सब ने हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट डोडा में की, रामबन में की, उधमपुर में की, तो सबका कहना है कि हम इस प्लान को जो है हम इससे अपने हिस्से का जो बाइकाट कर रहे हैं और हम इस प्लान में जो प्लान बन रहा है हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे और प्लान हम नहीं बनाएंगे। बाइकाट किया जाएगा, जो प्लान नहीं दिए जाएंगे आपकी तरफ से विकास के जो भी कार्य होंगे? नहीं बिल्कुल, हम चाहते हैं जा तो हमें, जैसे देखिए मेरे ब्लॉक में 2 डीडीसी काउंसलर हैं, वो हमारे अपने भाई हैं, अच्छी बात है। सरकार ने जो 3 टायर सिस्टम जहां पे लागू किया, इलेक्शन करवाई, हम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा ही सराहनीय कदम था, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन आज की डेट में जैसे ही ये कोरम पूरा हुआ उसमें बीडीसी को जो है वो अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि एक सरपंच को 23,30,000 रुपये पर पंचायत जो है प्लान के लिए दिए गए हैं, मतलब डेवलपमेंट के लिए दिए गया है, वो प्लान बना रहे हैं, और एक बीडीसी को 25 लाख रुपए जिसके पास 23 पंचायतें हैं, मान लीजिए जैसे डीडीसी काउंसलर हैं मेरे ब्लॉक में 2 हैं, उनको 1,40,00,000 रुपए दिए गए हैं और एक बीडीसी को 25 लाख, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है सरकार की तरफ से। हम इसका जो है पुरजोर विरोध करते हैं, हम इस प्लान में कोई हिस्सा नहीं लेंगे। आपकी जो बीडीसी चेयरमैन आप पोनी के हैं, वहाँ पर 2 डीडीसी चेयरमैन हैं, एक ही ब्लॉक में 2 डीडीसी की सीटें हैं। जी दो काउंसलर हैं। जी सर जी जी। तो अब ऐसे में आगे क्या आप करेंगे, क्या विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा इस मामले? नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार जा तो हमें बराबर का प्रोटोकॉल दिया गया है, बराबर का हॉनरेरियम दे रही है, तो बराबर का कम से कम हमें जो फंड्स दे रहे हैं वो भी बराबर का दें, ताकि हम भी लोगों में जाएं, अपने पंच सरपंच भाइयों के पास जाएं, हम भी जो उनकी हमारे प्रति आशाएं हैं आकांक्षाएं हैं उनको पूरा कर सकें। इस 25 लाख की अगर बात नहीं करें, इसके अलावा अगर पावर्स की बात करें, तो क्या जो विरोध रहता था लगातार सरपंचों का भी आपका भी कि पावर्स नहीं है, सुनने वाले कोई नहीं है, अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, क्या अब उसमें सुधार हुआ या पहले जैसा ही? कोई सुधार नहीं हुआ जी, वैसा ही है, बस सिर्फ इलेक्शन हो रही हैं, कोरम पूरे किए जा रहे हैं, सुधार कुछ नहीं हुआ है, कोई किसी को नहीं सुन रहा है, सब ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। चलिए अब कोविड की बात करते हैं, पोनी ब्लॉक की बात करें तो किस तरह के हालात आप वहाँ पे देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको कि आगे कुछ केसेस कम होंगे और हालात सामान्य होंगे? नहीं देखिए, हम सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश आए हैं हम उनका पालन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारी अगर सेहत है तो हम जान है तो जहान है, हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि पीआरआई मेंबर्स को और बीडीसी को जो है उनको कॉन्फिडेंस में ले और उनसे वार्तालाप करेंगे। आपके एरिया में देखिए टोपोग्राफी तो एक जैसी नहीं है स्टेट की,
हर एक ब्लॉक की टोपोग्राफी एक जैसी नहीं है, सिचुएशन एक जैसी नहीं है। कम से कम BDC और PRI को वहाँ पे बुला के या किसी तरीके से भी उनसे भी राय लेनी चाहिए कि आप बताएं आपके एरिया कैसे सुधार हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो राय लेनी चाहिए जो भी जनता के प्रतिनिधि हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कैसे सुधार सकता है। प्रतिनिधियों की राय बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो ये प्लान बनाकर इनको भेजना था, अब ये प्लान नहीं बनाकर नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो 25 लाख की बात हुई थी अब उसे अपेक्स प्लान में रखा गया है और कुछ स्कीमों के तहत ही वो पैसा जो है इन्हें खर्च करना होगा। तो ये इसका पुरजोर विरोध जता रहे हैं। इस मार्फत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और इसके साथ ही इंटरव्यू के जरिए भी इन्होंने उसका विरोध जताया। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।